दोस्तों नूडल्स में मैगी, टूथपेस्ट में कोलगेट, उसी प्रकार लेजर प्रिंटर में एचपी का 1005। ये सारी चीजें लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे छप गया है जो निकलने का नाम नहीं लेता। वीडियो के अंदर हम लोग एचपी के लेजर जेट 1005 प्रिंटर के बारे में बात करने वाले हैं। दशकों से आपने देखा होगा, अगर किसी को लेजर प्रिंटर चाहिए तो वो डायरेक्ट एचपी का 1005 ले लो ऐसा सजेशन देता है। लोगों का ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास उस पर जमा हुआ है कि लोगों को उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। लेजर प्रिंटर का और ब्रांड्स का मार्केट में भरमार लगा हुआ है, लेकिन लोगों को अगर चाहिए तो एक ही प्रिंटर एचपी का लेजर जेट 1005 प्रिंटर चाहिए। यहां तक कि जब इसका प्राइस 14-15 हजार हुआ करता था, उस टाइम से लेकर के जब इसकी शॉर्टेज हुई मार्केट के अंदर, जब ये बनना बंद हुआ, तो लोगों ने इसको कहीं से भी 30-30 हजार में भी इसको जो है बाय किया है। इतनी दीवानगी इस प्रिंटर के लिए, और ये वाकई में ये प्रिंटर उस लायक था भी। बहुत ही सस्ती प्रिंट कॉस्ट के साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी थी कि लोग जो है थक गए इसको यूज कर करके। लेकिन ये प्रिंटर खराब नहीं होता, और अगर खराब होता भी था तो इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं पर भी बिल्कुल इजिली अवेलेबल मिल जाया करते हैं। यही सारे रीजन है कि एचपी का लेजर जेट 1005 बहुत ही ज्यादा बिकता रहा है। लेकिन आज की डेट में ये मिल नहीं रहा है क्योंकि कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। कंपनीज की पॉलिसी होती है कि कोई कैसा भी प्रोडक्ट हो लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बदलेगा जरूर। लेकिन जो है लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो एचपी तक पहुंची, और एचपी ने एचपी लेजर जेट 1005 को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च किया है। और उसका ये कहना है कि ये जो एचपी का 1005 है, ये उससे भी ज्यादा लोगों का विश्वास जीतने में जो है सफल होगा। और इसके अंदर वो सारी कमियां जो उसके अंदर रही हैं, या फिर और क्या बेहतर हम कर सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, वो सारी जो है फैसिलिटीज इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि पुराने वाले में क्या होता था कि चाहे कोई भी हो, जो भी यूज कर रहा है, उसका टोनर खत्म हो रहा है, उसका जो है कलर खत्म हो रहा है, तो उसको रिफिल कराने किसी ना किसी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो दिया है इस प्रिंटर का जो नाम है, उस नाम में ही इसकी खास बात है। इस जो प्रिंटर का नाम है वो है एचपी लेजर जेट टैंक 1005 प्रिंटर। ये टैंक प्रिंटर है, जैसे इंक टैंक प्रिंटर आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं, यानी इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो इंक प्रिंटर है उसके अंदर टैंक प्रिंटर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप इंक जो है डालते हैं और आप डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको रिफिल करने का कोई ऐसा झंझट नहीं है। उसी प्रकार से सेम ये जो प्रिंटर आया हुआ है लेजर जेट टैंक प्रिंटर, इसके अंदर जो है टैंक लगा हुआ है। और मात्र जो हाईलाइटेड इसका पॉइंट है वो यही है कि मात्र 15 सेकेंड के अंदर जो है टोनर मार्केट से लेकर के आएंगे, और उसके अंदर जो है आप उस टोनर को जो है इसके अंदर, इसके टैंक के अंदर फिल कर देंगे, और उसके अंदर जो टाइम लगेगा मात्र 15 सेकेंड लगने वाला है, 15 सेकेंड लगने वाला है। तो यही इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। बाकी सारे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम से एक वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम सीधी बात करते हैं एचपी के इस नए अवतार प्रिंटर के बारे में, एचपी लेजर जेट टैंक 1005 प्रिंटर के बारे में। तो इसके अंदर दो मॉडल आ रहे हैं, एक जो है एचपी लेजर जेट टैंक 1005, और दूसरा जो है टैंक 1005W, यानी कि एक सिंपल, सिर्फ जो उसकी कनेक्टिविटी है यूएसबी 2.0 हाई स्पीड के साथ में है, और दूसरी जो है यूएसबी के साथ साथ वायरलेस प्रिंटर भी है, यानी कि उसके अंदर जो है एचपी के स्मार्ट ऐप से जो है आप जो है उसको प्रिंट आउट भी दे पाएंगे, यानी कि एक वायरलेस हो गया और एक सिंपल हो गया। उन दोनों के अंदर 4-5 हजार रुपए का डिफरेंसेस आ रहा है जो अभी फिलहाल दिखा रहा है। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और यूट्यूब के स्टोर का भी मैं लिंक कर रहा हूं, आप उस पर भी चेक करें, जहां पर सही लगे वहां से आप बाय करें, क्योंकि एचपी 1005 पुराना वाला तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन एचपी के इस दावे को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं मिल रहा है, तो इसको देखते हैं, हो सकता है मार्केट में उससे भी बेहतर ये साबित हो, क्योंकि ये एचपी का दावा है।
बाकी इसके अंदर अगर हम कार्ट्रिज की बात करें तो इसके अंदर एचपी 158A यानी कि 158A इसके अंदर लगेगा अगर, तो उसके अंदर जो आपको पेज यील्ड मिलेगा वो 2500 पेज का मिलेगा। उसके अलावा अगर इसके अंदर एचपी 158X डालते हैं तो उसके अंदर 5000 पेज यील्ड मिलेगा। तो इस तरीके से आप कार्ट्रिज जो है डाल सकते हैं इसके अंदर, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम बहुत ज्यादा है तो आप जो है 158X डालिए, उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा आपको पेजेस मिल रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कार्ट्रिज चेंज करेंगे आगे चल करके। उसके बाद पावर कंजप्शन, जो कि बहुत बड़ा मैटर रखता है लेजर प्रिंटर के साथ में। लोगों की अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये इन्वर्टर से चलेगा, तो इन्वर्टर से नहीं चलने का सिर्फ मतलब ये होता है कि इसका जो एक्टिव प्रिंटिंग में जो इसका कंजप्शन होता है वो 390 वाट का होता है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा हैवी वाट हो जाता है। आपको पता भी होगा 390 वाट एक बहुत हैवी वाट होता है, तो ये मिला जुला करके आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इसी को 400 वाट के आसपास आपको जो है सप्लाई देनी है। और रेडी कंडीशन में जो है 2.7 वाट जो है ये लेता है, और उसके बाद जो है मैनुअल ऑफ के अंदर 0.5 वाट ये लेता है। इस तरीके से इसका कंजप्शन है, कुल मिला जुला करके लेजर प्रिंटर का जो कंजप्शन है वो ओवर रहेगा ही इंक टैंक के हिसाब से या इंकजेट प्रिंटर के हिसाब से। बाकी प्रिंट स्पीड की बात करें तो 22 ppm इसकी स्पीड है, यानी कि 22 पेज जो है एक मिनट के अंदर ये निकाल करके देगा, यानी स्पीड भी इसकी ठीक ठाक है। ड्यूटी साइकिल की बात करें तो कंपनीज को दे रही है 25,000 पेज पर मंथ का ड्यूटी साइकिल। कंट्रोल पैनल की बात करें तो उस पर एक छोटी सी जो है एक LCD मिल जाती है, LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आप इसका ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, कॉपीज वगैरह की नंबर्स वगैरह को आप देख सकते हैं। दो उसके ऊपर LEDs मिलती हैं, उसके ऊपर 9th बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर जो है आप डाउन का बटन देख सकते हैं, मेनू का बटन देख सकते हैं, अप का बटन देख सकते हैं, कॉपी का बटन है, ID का बटन है, यानी कि ID कॉपी के लिए डायरेक्ट जो है इस पर ऑप्शन दिया हुआ है, इन्फो, रिज्यूम, कैंसिल और पावर का बटन, इतने सारे बटन इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं, जो विधिवत तरीके से आप इसको यूज कर पाते हैं बिल्कुल इजिली। प्रिंट कॉस्ट की बात करें तो 29 पैसे यानी 29 पैसा इसका जो है प्रिंट कॉस्ट आता है, बाकी इंडिया जुगाड़ू है। आगे चल करके पता लगा टोनर कोई लोकल आने लग गया तो कॉस्टिंग और भी कम हो जाएगा, लेकिन जब तक वारंटी में है तब तक तो आपको जो है ओरिजिनल टोनर ही यूज करना पड़ेगा। पेपर साइजेस की अगर हम बात करें तो A4, A5, A6 वगैरह, लेटर साइज वगैरह जो भी उस पुराने वाले मॉडल्स के अंदर जो यूज हो रहे थे वो सारे के सारे पेज जो है इसके अंदर भी सपोर्ट करेंगे। पेपर टाइप्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सा पेपर लेगा, तो इसके अंदर जो है प्लेन पेपर, हैवी पेपर भी ले सकता है और बॉन्ड पेपर भी ले सकता है, यानी स्टिकर वगैरह का जो पेपर होता है उसको भी अगर इसके अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी पेपर ये लेगा। उसके बाद ट्रे कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसके इनपुट के अंदर जो है आप 150 पेजेस यानी 150 सीट आप रख सकते हैं, और आउटपुट के अंदर जो है 100 सीट इसके ऊपर जो है आ जाएगा। बाकी प्रिंट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 600x400 आपका जो है नॉर्मल प्रिंटिंग में आएगा, और बेस्ट में अगर आप लेते हैं तो 600x600 DPI का जो है आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है, तो यहां पर क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जा रही है। प्रिंटर वेट की बात करें तो 7.9 kg इसका वेट है। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर ऑन साइट वारंटी है। तो इस तरीके से ये जो है लेजरजेट HP का टैंक प्रिंटर है, टैंक 1005 प्रिंटर है, आप जरूर इसको एक बार ट्राई करें। और एक्चुअली अभी फिलहाल इसका रिस्पांस कैसा है ये अभी पता नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी उतना बिका नहीं है, जस्ट आया ही है, तो देखते हैं ये आगे कैसा चलता है। लेकिन कंपनी का दावा इतना खराब नहीं हो सकता, वो उसका ये कहना है कि लोग जो है पिछले वाले से ज्यादा इसको पसंद करेंगे, तो बिल्कुल लोगों की पसंद हो सकती है आगे चल करके। अब देखना यह है कि कितना कामयाब होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये नया जो है HP 1005 का ये नया अवतार आया है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें अगर आपके बजट में है। तो प्राइसेस की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो है जो सिंपल है यानी कि USB कनेक्टिविटी के साथ है वो 20,000 के आसपास जो है Amazon पर दिखा रहा है, और इसका Wi-Fi वाला जो है 24,000 से 25,000 के बीच में जो है दिखा रहा है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जहां पर आपको बेस्ट प्राइस मिले वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।